हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी गूगल फोटोज पे पासवर्ड लगाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि गूगल फोटोज को हम लॉक कैसे कर सकते हैं, उसमें पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। सो यहाँ पर अब हम अपने फोन पे हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम गूगल फोटोज पे लॉक या फिर पासवर्ड कैसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप अपने फोन पे आ जाइए और चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये रहा हमारा गूगल फोटोज, यहाँ पे जैसे अभी मैं इसे ओपन करूंगा तो यहाँ पे अभी कोई भी पासवर्ड या फिर कोई भी लॉक नहीं लगा हुआ है। तो इसमें हमें पासवर्ड कैसे डाल सकते हैं वही देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से हम इसे कट करते हैं और बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है। जिस तरह से मैं आपको स्टेप्स करके दिखा रहा हूँ उसी तरह से आपको भी स्टेप्स करने हैं, उसके बाद बहुत ही इजी तरीका से पासवर्ड जो है वो लग जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको फोन में सेटिंग्स पे जाना है और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा प्राइवेसी, प्राइवेसी पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऐप लॉक, ऐप लॉक पे जाइए और उसके बाद यहाँ पे एक पासवर्ड पूछा जाएगा आपसे। अगर आपने पहले कभी ऐप लॉक नहीं किया होगा, पासवर्ड नहीं लगाया होगा, तो आपको एक नया पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा। तो वहाँ पे आप एक नया पासवर्ड जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद ओके कर दीजिए। उसके बाद इस तरह से स्क्रीन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, सभी पर से टिक जो है लगा हुआ उसे हटाना है, उसके बाद लॉक पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्या आप अपने फिंगरप्रिंट को यूज करना चाहते हैं, तो हमें यूज पे क्लिक करना है। और अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको गूगल फोटोज ऐप को यहाँ पे ढूंढ लेना है। चलिए मैं ढूंढ लेता हूँ फटाफट से। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा गूगल फोटोज, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे ऐप लॉक के सामने इसे इनेबल कर देते हैं और अब इसमें जो है पासवर्ड सक्सेसफुली लग गया है। तो अब यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं, अब हमारा काम हो गया खत्म। तो यहाँ पे अब वापस से हम गूगल फोटोज को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें पासवर्ड जो है वो पूछा जा रहा है। उसके बाद पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे ये स्क्रीन आ रहा है। तो इस तरह से अब आप देख सकते हैं कितने आसानी से अब हमने गूगल फोटोज में पासवर्ड लगा लिया है। तो इसी तरीके से आप भी अपने फोन में पासवर्ड जो है वो लगा सकते हैं गूगल फोटोज में।